हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार, अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं भी दूसरे रिव्यूअर्स की तरह 3 मिनट 2.5 मिनट के वीडियोस बनाऊँ, तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर आपको हवा में बात करने वाले लोग पसंद है तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खैर, अब हम लोग बात करेंगे द इनविंसिबल की। तो कल मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि भाई मेरा नेक्स्ट वीडियो किस एडल्ट एनिमेटेड सीरीज़ पर है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया जिनको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। लेकिन ये कुछ लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया, उसमें स्मरक दास्टे और कुमार, उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और बस इतना ही है कि यार आप लोग हो तो मेरा चैनल है, यहाँ तक 500-600 जो व्यूज मिल जाते हैं वो आप ही लोगों की वजह से मिलते हैं। 2021 में अगर कोई एनिमेटेड या एनिमे सीरीज सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है तो वो थी अटैक ऑन टाइटन, जो कि नेक्स्ट का भी नेक्स्ट लेवल था। लेकिन हाँ, इस पर्टिकुलर इनविंसिबल की बात करेंगे तो बहुत कम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसी पर हम लोग आज अपना डिस्कशन करेंगे। और मैं इसको फर्स्ट एपिसोड से ही फॉलो करो, और अब तो 7 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं और आखिरी एपिसोड बस इसी हफ्ते रिलीज़ होने वाला है। और ये हिंदी में नहीं है, ये इंग्लिश में है। लेकिन अगर आप लोग सुपर हीरो की मूवीज़ और सीरीज़ देखना बहुत पसंद करते हो तो भाई आप लोगों के लिए ये शो मस्ट वॉच है। अगर बात करेंगे शो की, जो कि बेस्ड है कॉमिक बुक पे, जिसका नाम है द इनविंसिबल, और इसके जो कैरेक्टर्स है वो बेस्ड है जस्टिस लीग के कैरेक्टर्स पर, लेकिन बहुत ही डिफरेंट वे से उन सारे कैरेक्टर को यहाँ पर बताया है। अगर आप लोग एक कॉमिक रीडर नहीं हो तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली चीज़ है। फिर आप बात करें शो के प्लॉट की, जो कि फोकस करते हैं मार्क ग्रेसन, जो कि एक 17 साल का लड़का है, वो स्कूल पढ़ता है। उसके फादर नोलन ग्रेसन, AKA ओमनीमैन, मैं आपको बता दूं कि ओमनीमैन इस यूनिवर्स का सुपरमैन है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मार्क को पता चलता है कि उसके फादर ओमनीमैन है और वो इस प्लैनेट के सुपर हीरो है और कुछ पावर्स इसके अंदर भी है। तब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, क्या सुपर विलन्स आते हैं और कैसे कहानी प्रोग्रेस करती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। मैंने बस आप लोगों को उतना ही बताया जितना आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा सरप्राइज जो कि स्टार्टिंग में ही रिवील हो गया था उसके बारे में बता दिया, तो भाई आप लोग फिर क्या देखोगे। ये उन एनिमेटेड सीरीज़ में से है कि जिन्होंने जो बोलते ना ट्विस्ट और जो एक बड़े मोमेंट्स है उसको स्टार्टिंग में ही खोल दिया, और फिर वहाँ पर मैं सोचा कि यार ये लोग अब आगे क्या बताएंगे। लेकिन यकीन मानो हर एक एपिसोड इस पर्टिकुलर शो का एक से बढ़कर एक था, और जो 7th एपिसोड था उसका तो भाई क्या ही कहने। और वही पर्टिकुलर 7th एपिसोड ने मुझे मजबूर कर दिया कि भाई इस पर एक वीडियो डेफिनेटली बनना चाहिए, अपने साइड से ऑडियंस को अच्छी चीज़ प्रमोट करूँ। ये बच्चे लोग और फैमिली ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एडल्ट एनिमेटेड सीरीज़ है जहाँ पर आपको काफ़ी वॉयलेंस और कुछ किसिंग सीन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि थोड़ा बहुत आप लोगों का दिल बहलाते रहेंगे, लेकिन जो वॉयलेंस है वो तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है यार। वैसे शो का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि देखो, सुपर हीरो का मतलब क्या होता है कि जो दुनिया को बचाता है, लेकिन हर सुपर हीरो गॉड या एलियन नहीं होता है। कुछ सुपर हीरो यहाँ पे अर्थ पर भी बॉर्न हुए, जो टेक्नोलॉजीज की मदद से या अपने दिमाग से या लोगों के एक्सपेरिमेंट द्वारा सुपर हीरो बने, लेकिन कहीं ना कहीं देखा है तो वो भी अंदर से एक इंसान है, उनके भी अपने डिज़ायर्स होते हैं, उनके भी अपने मोटिव्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर सुपर हीरो अच्छा ही हो। ये चीज़ हमने इससे पहले द बॉयज सीरीज़ में भी देखी थी कि कुछ सुपर हीरोज ऐसे भी हैं जो नेगेटिव है, जो लोगों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, जिनका अपना एक अलग ईविल साइड है, जो हमने उस पर्टिकुलर शो में देखा था। और कहीं ना कहीं जब आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ को देखते होते हैं, क्योंकि एक अलग नज़रिए से शो को प्रेजेंट करता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करता है। और अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यार यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको इस शो में जैसे जैसे शो प्रोग्रेस हुआ वैसे वैसे उनके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें डेवलप किए, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी बताई जिससे आप जिसको हेट कर रहे हो उसको भी आप लोग पसंद कर लोगे, और जिसको आप लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। प्लस जो इमोशंस डाले उन कैरेक्टर्स के अंदर वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छू जाता है। शो की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, जो एनिमेटेड सीन्स है वो ज़्यादा बेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बुरे भी नहीं। और जिस तरीके से यहाँ पे एक्शन सीन्स को डिज़ाइन किया है और जो अमाउंट ऑफ ब्लड शेड इस तरीके से चीज़ें बताई है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, जो आउटस्टैंडिंग है। वॉइस आर्टिस्ट ने फुल टू जस्टिस दिया हर एक कैरेक्टर को, जिसके वजह से हमें डबिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शो की एडिटिंग भी बहुत अच्छी, हर एक एपिसोड को 44 से लेके 48 मिनट्स के रखने के बावजूद भी हम उस एपिसोड से बोर होते नहीं, क्योंकि हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसी
शॉकिंग चीज़ है जो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने में मजबूर करती है, और उस एपिसोड को भी आपको देखने में बोर नहीं करती है। यार इस हिसाब से एडिट किया डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं होप करता हूँ कि इसके 8 एपिसोड के बाद भी ये लोग इस शो को कंटिन्यू रखें, यानी कि सीज़न 2 सीज़न 3 सीज़न 4 और उसमें ज़्यादा एपिसोड हो, ताकि हमको और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आ जाए। पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूँगा कि ये आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, और मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 10 out of 10। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनिमेटेड सीरीज एवर, मैं कह सकता हूँ। तो यार बस इस वीडियो में इतने, अगर आपको ये शो देखते हैं तो Amazon Prime Videos पे जाके देखो, ये आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। टिल देन बाय।